तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेमर आदित्य में। तो कैसे हो आप लोग, मैं करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज की इस नई सी वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ इंडियन बाइक एंड कार ड्राइविंग 3D गेम। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको इस गेम की सारी गाड़ियों को चीट कोड बताने वाला हूँ, जो कि भाई आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यानी भाई जब से ये गेम लॉन्च हुआ है तब से लेकर भाई अभी जो हाल ही में न्यू अपडेट आया था, जिसमें भाई KGF के रॉकी बाइक की बाइक को ऐड किया गया था, वहाँ तक की सारी गाड़ियों को चीट कोड बताने वाले। तो भाई आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि भाई ये वीडियो आप लोग को इस गेम की सारी गाड़ियों को चीट कोड जानने में हेल्प करेगी। और भाई वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि भाई आपके दोस्त भी जान पाए इस गेम की सारी गाड़ियों को चीट कोड। और भाई आप चाहते हो कि इसी टाइप्स की वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलती रहे, तो भाई आप लोग उसके लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, फिर भाई मैं कोई इसी टाइप्स की वीडियो चैनल पर देता रहूँगा। तो भाई आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और भाई अभी तक आपने इस गेम को डाउनलोड नहीं किया है और डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर इस गेम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। भाई ये भी गेम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की ही तरह गेम है, इसमें भी आपको बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं और उसके भी चीट कोड रहते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई आप लोग भी इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से भाई वीडियो कर देता हूँ स्टार्ट, और मैं सबसे पहले आप लोग को भाई रॉयल इनफील्ड का चीट कोड बता देता हूँ, जो कि भाई बुलेट रहती है, तो इसका मैं आप लोगों को चीट कोड बता देता हूँ। तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1331, जी हाँ भाई 1331। तो जैसे ही आप इस पर कॉल करते हो वैसे ही आपके सामने भाई बुलेट आ जाती है, जो कि भाई आप लोग देख सकते हो भाई इसका नाम रॉयल इनफील्ड रहता है। तो भाई उसके बाद भाई मैं आपको हायाबुसा का भी चीट कोड बता देता हूँ, तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1332। तो जैसे ही आप इस पर कॉल करोगे तो भाई तो आपके सामने हायाबुसा आ जाएगी, जो कि भाई आप लोग देख सकते हो भाई ये आपकी हायाबुसा रहती है, तो इसका चीट कोड रहता है 1332। तो उसके बाद भाई मैं आपको KTM का चीट कोड बता देता हूँ, भाई KTM ड्यूक, तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1333। तो भाई जैसे आप इस पर कॉल करते हो वैसे आपके सामने भाई KTM ड्यूक आ जाती है, जो कि भाई आप लोग देख ही सकते हो। तो ये वाली भाई एक रेसर बाइक है। उसके बाद मैं आप लोग को ट्रोन बाइक का भी चीट कोड बता देता हूँ, तो भाई ट्रोन बाइक का चीट कोड रहता है 1334। तो जैसे आप इस पर कॉल करते हो वैसे आपके सामने भाई ट्रोन बाइक आ जाती है। उसके बाद मैं आपको जल्दी से कावासाकी निंजा S2R का भी चीट कोड बता देता हूँ, जो ये भी भाई एक रेसर बाइक रहती है, तो इसका मैं आप लोगों को चीट कोड बता देता हूँ, तो इसका चीट कोड रहता है 1335। तो देखा ही होगा भाई आप लोगों ने, जैसे ही मैंने इस पर कॉल किया वैसे ही मेरे सामने भाई कावासाकी निंजा S2R आ गई। उसके बाद मैं आपको पल्सर का भी चीट कोड बता देता हूँ, तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1336। तो जैसे आप इस पर कॉल करोगे वैसे आपके सामने पल्सर आ जाती है, जो कि भाई आप लोग देख ही सकते हो। तो उसके बाद भाई मैं आप लोगों को R15 का भी चीट कोड बता देता हूँ, तो भाई R15 का चीट कोड रहता है 1337। तो मैं जैसे इस पर कॉल करूँगा वैसे मेरे सामने भाई R15 आ जाएगी, जो कि भाई आप लोग देख ही सकते हो। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई इतनी सारी गाड़ियाँ हो गई जिनका मैं आप लोगों को चीट कोड बता दिया हूँ। तो जल्दी से भाई मैं आगे जाके आपको और भी गाड़ियों का चीट कोड बता देता हूँ। उसके बाद भाई मैं आपको स्प्लेंडर बाइक का चीट कोड बता देता हूँ, तो भाई स्प्लेंडर बाइक का चीट कोड रहता है 1338। तो भाई जैसे ही आप इस पर कॉल करते हो वैसे आपके सामने भाई स्प्लेंडर बाइक आ जाती है, जो कि भाई आप लोग देख सकते हो। तो भाई ये इंडिया में बहुत लोगों के पास रहती है, शायद आप लोगों के पास भी हो। उसके बाद भाई मैं आपको अपाची RTR का भी चीट कोड बता देता हूँ, तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1339। तो जैसे ही आप इस पर कॉल करते हो वैसे भाई आपके सामने रेड कलर की अपाची RTR आ जाती है। उसके बाद मैं आपको KTM 390 का भी चीट कोड बता देता हूँ, तो भाई KTM 390 का चीट कोड रहता है 1340। तो भाई जैसे ही आप इस पर कॉल करोगे तो आपके सामने भाई KTM 390 आ जाती है। तो भाई नेक्स्ट चीट कोड है बुलेट 350। तो जल्दी से मैं आपको बुलेट 350 का भी चीट कोड बता देता हूँ, तो भाई बुलेट 350 चीट कोड रहता है 1341। तो जल्दी से भाई मैं सेल फोन पर कॉल करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो जैसे ही भाई मैं 1341 पर कॉल करता हूँ वैसे ही मेरे सामने भाई बुलेट 350 आ जाती है, जो कि भाई आप लोग देख ही सकते हो। तो इसी टाइप से भाई आप भी लोग कॉल करना तो आपके सामने भी गाड़ियां आ जाएंगी। उसके बाद पल्सर 220 का चीट कोड रहता है 1342। तो भाई जैसे आप 1342 पे कॉल करते हो वैसे आपके सामने भाई पल्सर 220 आ जाती है, जो कि भाई आप लोग देख सकते हो, तो ये आपकी पल्सर 220 रहती है। तो भाई नेक्स्ट है सुपर स्प्लेंडर बाइक का चीट कोड, तो उसको भी मैं जल्दी से आप लोग को बता देता हूँ। तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1445। तो भाई जैसे आप इस पर कॉल करोगे वैसे आपके सामने भाई सुपर स्प्लेंडर बाइक आ जाएगी, जो कि भाई अभी हाल ही में न्यू अपडेट आया था उसमें ऐड की गई थी। उसके बाद भाई मैं आपको KGF बाइक का भी चीट कोड बता देता हूँ, तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1446। तो भाई जैसे ही आप इस पर कॉल करोगे वैसे ही आपके सामने भाई KGF बाइक आ जाएगी, जो कि भाई KGF की रॉकी भाई के पास ये वाली बाइक थी। तो भाई अगर आप लोगों ने KGF पिक्चर देखी होगी तो भाई आप लोग इस बाइक को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो मैं इसको ड्राइव करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ। उसके बाद भाई ये जो बाइक थी उनका मैं आप लोगों को चीट कोड बता दिया। उसके बाद भाई अब मैं आपको कार का भी चीट कोड बता देता हूँ, यानी भाई 2-व्हीलर का मैंने आप लोगों को चीट कोड बता दिया है। उसके बाद भाई आप 4-व्हीलर का आप लोगों को मैं चीट कोड बता देता हूँ जल्दी से। और भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई वीडियो को भी लाइक कर देना। तो भाई अब मैं जल्दी से आप लोग को 4-व्हीलर का भी चीट कोड बता देता हूँ, और 4-व्हीलर में सबसे पहले मैं आप लोग को अल्टो कार का भी चीट कोड बताऊंगा, उसके बाद भाई मैं आपको सारी गाड़ियों का चीट कोड बता देता हूँ। तो सबसे पहले भाई मैं अल्टो कार का आप लोग को चीट कोड बता देता हूँ, तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1431। तो मैं जल्दी से भाई इस पर कॉल करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो भाई जैसे ही मैं 1431 पर कॉल करूँगा वैसे मेरे सामने भाई अल्टो कार आ जाएगी, जो कि भाई आप लोग देख ही सकते हो। तो मैं जल्दी से भाई कॉल करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो भाई जैसे ही मैंने इस पर कॉल किया वैसे मेरे सामने भाई अल्टो कार आ गई। उसके बाद मैं जल्दी से आप लोग को भाई बोलेरो कार का भी चीट कोड बता देता हूँ, तो भाई बोलेरो कार का चीट कोड रहता है 1432। तो जैसे ही आप इस पर कॉल करोगे वैसे आपके सामने भाई बोलेरो कार आ जाएगी, जो कि भाई आप लोग देख सकते हो भाई इसी टाइप्स की आपकी बोलेरो रहती है।
तो भाई जल्दी से मैं आप लोग को बुगाटी कार का भी चीट कोड बता देता हूँ, जो कि भाई एक रेसर कार है। तो मैं जल्दी से इसका भी आप लोग को चीट कोड बता देता हूँ। तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1433। तो भाई जैसे आप इस पर कॉल करते हो वैसे ही आपको भाई बुगाटी कार आ जाती, जो कि भाई आप लोग देख सकते हो। तो भाई नेक्स्ट है इर्टिगा कार। तो मैं जल्दी से आप लोग को नेक्स्ट इर्टिगा कार का भी चीट कोड बता देता हूँ। तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1434। तो मैं जल्दी से इस पर कॉल कर देता हूँ। तो भाई जैसे ही आप 1434 पे कॉल करते हो वैसे ही ऑप्शन भाई इर्टिगा कार आ जाती है। तो अब भाई मैं जल्दी से आगे जाके आपको होंडा सिटी का भी चीट कोड बता देता हूँ भाई। और भाई अभी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनका मैं आप लोग को चीट कोड बताने वाला हूँ। तो उसके बाद भाई होंडा सिटी का चीट कोड रहता है 1435। तो भाई आप लोग होंडा सिटी का चीट कोड जान ही गए होंगे। तो भाई नेक्स्ट है इनोवा कार। तो मैं जल्दी से आप लोग को इनोवा कार का भी चीट कोड बता देता हूँ। तो भाई इनोवा कार का चीट कोड रहता है 1436। तो भाई जैसे आप इस पर कॉल करोगे वैसे ऑप्शन भाई इनोवा कार आ जाएगी। तो भाई आप लोग देख सकते हो ये आपकी इनोवा कार रहती है जिसका चीट कोड 1436 रहता है। तो भाई इसके बाद है लंबोगनी कार। तो मैं आप लोग को जल्दी से लंबोगनी कार का भी चीट कोड बता देता हूँ। तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1437। तो भाई जैसे आप इस पर कॉल करते हो वैसे ऑप्शन भाई लंबोगनी कार आ जाती है। उसके बाद वैगन आर कार है। तो मैं जल्दी से आप लोग को वैगन आर कार का भी चीट कोड बता देता हूँ। तो भाई वैगन आर कार का चीट कोड रहता है 1438। तो मैं जल्दी से इस पर कॉल कर देता हूँ। तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1438। तो भाई आप कॉल कर देना तो भाई आपके सामने वैगन आर आ जाएगी, जो कि भाई आप लोग देख सकते हो। तो भाई वो पीछे वाली गाड़ी टकरा गई थी इसलिए भाई वो टूट गई। तो अब मैं जल्दी से आप लोग को इंडीवर कार का भी चीट कोड बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे जगह फुल हो चुकी है, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो मैं यहाँ आके भाई यहाँ आपको चीट कोड बता देता हूँ इंडीवर कार का। तो भाई इंडीवर कार का चीट कोड रहता है 1439। तो भाई जैसे आप इस पर कॉल करते हो वैसे ऑप्शन भाई इंडीवर कार आ जाती, जो कि भाई आप लोग अभी देखना भाई जैसे मैं इस पर कॉल करूंगा वैसे मेरे सामने भाई इंडीवर कार आ जाएगी, जो कि भाई आप लोग देख सकते हो। इसका चीट कोड रहता है 1439। तो उसके बाद मैं आपको जल्दी से डस्टर कार का भी चीट कोड बता देता हूँ। तो भाई डस्टर कार का चीट कोड रहता है 1440। तो भाई जैसे आप इस पर कॉल करते हो वैसे ऑप्शन भाई डस्टर कार आ जाती है। तो भाई मैं अब आपको जल्दी से फार्चूनर कार का भी चीट कोड बता देता हूँ, जिसका भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज है, यानी भाई इंडिया में बहुत लोग इसको फार्चूनर लेते हैं, उनकी पसंद भाई बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो मैं जल्दी से आप लोग को भाई फार्चूनर कार का चीट कोड बता देता हूँ। तो भाई फार्चूनर कार का चीट कोड रहता है 1441। तो भाई मैं जैसे ही इस पर कॉल करूँगा वैसे मेरे सामने भाई फार्चूनर आ जाएगी, जो कि भाई अभी आप लोग देखना। तो भाई जैसे मैंने इस पर कॉल किया वैसे मेरे सामने भाई फार्चूनर आ गई। उसके बाद भाई स्कॉर्पियो कार है, जिसका भी भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो मैं जल्दी इसका भी चीट कोड बता देता हूँ। तो इसका चीट कोड रहता है 1442। तो जैसा कि आप लोग भाई देख ही लिए होंगे तो इसका चीट कोड स्कॉर्पियो का 1442 रहता है। उसके बाद भाई मैं आपको क्रेटा का चीट कोड बता देता हूँ। तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1443। तो भाई जैसे ही 1443 पे कॉल करोगे वैसे आपके सामने भाई क्रेटा कार आ जाएगी, जो कि भाई आप लोग देख ही सकते हो। तो उसके बाद भाई नेक्स्ट और लास्ट चीट कोड है इको स्पोर्ट कार का। तो मैं जल्दी से उसका भी आप लोग को चीट कोड बता देता हूँ। तो भाई इसका चीट कोड रहता है 1444। तो मैं जल्दी से इस पर कॉल करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो भाई जैसे ही मैं इस पर कॉल करूँगा 1444 पे वैसे मेरे सामने भाई इको स्पोर्ट कार आ जाएगी, जो कि भाई आप लोग देख सकते हो। तो भाई जब से ये गेम लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक की जितनी भी गाड़ी इसमें ऐड की गई थी वो सारी गाड़ियों को मैं आप लोग को चीट कोड बता दिया हूँ। तो आई होप आपको इन सारी गाड़ियों को चीट कोड पता चल गया। अगर भाई आप किसी गाड़ी का चीट कोड मिस कर दिए होंगे तो भाई आप लोग वीडियो को बैक करके देख लेना। तो भाई मैं वीडियो को यहीं पे कर रहा हूँ समाप्त। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और भाई आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई मैं इस चैनल पर इसी टाइप्स की इंटरेस्टिंग वीडियो डेली लाता रहता हूँ। तो भाई आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।